सो हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुमिस मेथड के बारे में। काफ़ी दिनों से मेरे को कमेंट आ रहा था कि लुमिस मेथड पर वीडियो लाइए, एंड इसके पहले भी मैंने वीडियो लाया था, तो उसी वीडियो पर मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि लुमिस मेथड पर और भी वीडियोज़ लाइए। तो गाइज, मेरे को लुमिस मेथड वाली वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको इसी टॉपिक्स पर और वीडियोज़ चाहिए। तो गाइज, फाइनली हम लोग दूसरी जो लुमिस मेथड की वीडियो है वो लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लुमिस मेथड से आज एकदम बेसिक से हम बताने वाले हैं कि लुमिस मेथड से हम लोग कैसे फेस को एस्टिमेट करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं गाइज, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड और एक बात गाइज, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और मैं इस वीडियो पर भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लुमिस मेथड से फेसेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है प्रोपोर्शंस में एडजस्टमेंट आपको करनी होगी, क्योंकि सारे फेसेस एक जैसे नहीं होते, तो किसी का नोज़ जो है वो दूसरे के नोज़ से अलग होता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप प्रोपोर्शंस में थोड़े बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। सो गाइस, बस यही बोलनी थी, बाकी जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने यहीं से स्टार्टिंग करा था, एंड मैंने ये आपको समझाने की ट्राई करा था कि एक स्फीयर के हेल्प से हम लोग किसी भी फेस के प्रोपोर्शंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो जिसको हम लोग लुमिस मेथड बोलते हैं। सो गाइज, मुझे लगता है कि पिछली वीडियो से जो बेसिक्स होती है लुमिस मेथड की, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा और डिटेल में लुमिस मेथड के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें एकदम बेसिक्स से बताया हुआ है। एंड इस वीडियो पर भी हम बेसिक्स में बात करेंगे, लेकिन उतनी डिटेलिंग नहीं होगी, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के बात करेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो देख लो, बाकी बेसिक्स तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आगे वीडियो में हम लोग कुछ फेसेस ड्रॉ करेंगे लुमिस मेथड की हेल्प से, तो ये चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना गाइस। एंड हाँ, और एक बात गाइस, कि आपके कमेंट से ही ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है, वरना मैं लुमिस मेथड पर दूसरी वीडियो लाता ही नहीं। आप लोगों ने कमेंट करा था कि हमें लुमिस मेथड पर और वीडियो चाहिए, तो और वीडियो बनाओ, तो मैंने फाइनली गाइस ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको और ज़्यादा लुमिस मेथड पर वीडियो चाहिए तो आप फिर से मुझे कमेंट पर बता सकते हो। तो अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर लुमिस मेथड पर आगे और वीडियोज़ लाऊँगा। सो गाइज, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग कोई भी हेड को एक सर्कल के थ्रू हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे आप लोग 3D में एक स्फीयर समझ सकते हो। तो हेड जो है वो एक स्फीयर टाइप ही होती है, और उसके नीचे का जो पोर्शन हो जाता है, नोज़ के नीचे की जो पोर्शन होती है वो हमेशा जो है वो सर्कल के नीचे होती है, जैसा कि आप रेफरेंस फोटो में दिख रहा होगा आपको। तो हमारी जो नोज के नीचे का पोर्शन होता है, जैसे लिप्स हो गई एंड चिन हो गई, तो ये जो है वो सर्कल के नीचे होती है। तो ये चीज़ आगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग सेकेंड सर्कल जो आपको छोटी सी दिख रही है ईयर के साइड, तो यहाँ पे जो हमारी छोटी सर्कल है इसको हम लोग बेसिकली जो हमारी हेड की पोजिशन होती है उसे दिखाने में ये जो छोटी सर्कल है वो हेल्प करती है हमें। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटी सर्कल के हेल्प से हम लोग फेस का और हेड का जो पोजिशन है, जो एंगल है, तो वो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फेस का जो पोजिशन है वो कितना एंगल से मुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें छोटी सर्कल से के हेल्प से पता चलता है। तो इस चीज़ से आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी सर्कल के अंदर एक प्लस वाला साइन बन जाता है, जिससे हमें फेस का डायरेक्शन या पोजीशन पता चलता है। एंड गाइस, छोटी सर्कल की जो डायमीटर है, जो बीच वाला लाइन है, तो वहाँ उस लाइन को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमें आई लाइन मिल सकता है। एंड सेम उसके पैरेलल हम लोग सर्कल के नीचे से एक लाइन को इंक्रीज करेंगे, जिससे हमें नोज़ लाइन भी मिल जाएगी, जैसा कि आपको रेफरेंस फोटो में दिख रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम सेंटर लाइन की, जो आपको दिख रहा होगा कि नोज़ के वर्टिकल जो एक लाइन गया है, तो वो लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं छोटी सर्कल की हेल्प से। जैसे कि आप छोटी सर्कल पे एक वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा आपको, जो एड साइन बना रहा है, तो उसके ही पैरेलल हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल है, जैसा कि आप देख सकते हो रेफरेंस फोटो में। सो गाइज, ऐसे ही करके आप लुमिस मेथड को यूज़ कर सकते हो, एंड इससे आप फेसेस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप बिना किसी टूल के अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे ही हमारी सर्कल की ड्राइंग कंप्लीट होती है, उसके बाद साइड में जो कटी हुई छोटी सी सर्कल होती है, तो वो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे।
एंड छोटी सी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम लोग फेस के पोजीशन को देखेंगे एंड एंगल को हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि कितने एंगल पे जो फेस है हमारा वो अप है या डाउन है, तो वो चीज़ हम समझने की ट्राई करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटी सर्कल के हेल्प से ये चीज़ जो है हम लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने एक लाइनिंग दी है एंड उसके पैरेलल ही मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ करा है और ये बस मैंने एस्टिमेट करा है कि हाँ फेस जो है वो ऊपर के साइड है। तो ये चीज़ आपको भी एस्टिमेट करनी है एंड उसके बाद ड्रॉ करनी है। एंड ठीक, हम लोग छोटी सर्कल की हेल्प से जो आई लाइन है एंड नोज़ लाइन है तो दोनों ही हमें मिल गई। तो अब जो है हम फेस को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको आप रफ स्केच भी बोल सकते हो। तो ये बस फेस की जो भी आउटलाइन है वो मैं ऑब्जर्व करके ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमें और भी ज़्यादा करेक्शन करने होंगे। तो ये बस एक रफ स्केच का काम कर रहा है, फेस को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करके हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो है आपको इसको रफ स्केच भी बोल सकते हो एंड इसके बाद आपको करेक्शन तो करनी ही होंगी, चाहे आप प्री एंड आउटलाइन ड्रॉ करो या फिर ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करो, आपको एक बार रफ स्केच ड्रॉ करना होता है एंड उसके बाद उसको करेक्शन करना होता है। तो वो चीज़ हम लोग आगे करने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने जो है अपनी ड्राइंग की जो पहली रफ स्केच होती है तो वो कंप्लीट कर ली है। तो अब जो है हम इसमें डिटेलिंग लाने की ट्राई करेंगे एंड फेस को सेट करेंगे। एंड फेस को सेट करने के लिए आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्रुश्टो की पेंसिल यूज़ करा है लेकिन आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बस आपकी पेंसिल जो है थोड़ी शार्प होनी चाहिए। एंड ये जो ड्राइंग है वो बहुत ही छोटी है, जैसा कि आप देख सकते हो, मिनी आर्ट भी बोल सकते हो, तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा पेंसिल को ज़्यादा शार्प रखा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जब भी ड्रॉ करते हो तो अपनी पेंसिल को हमेशा शार्प रखें। सो गाइज़, ये प्रोसेस थी जिस प्रोसेस से मैं लूमिस मेथड की हेल्प से कोई भी फेस की आउटलाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक्स तो होती है, करेक्शन बाद में करना ही होता है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ करो तो आपको थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होंगी, तो वो चीज़ करेक्ट करना आपका काम है। और जितना आप अच्छे से एस्टिमेट करके ऑब्जर्व करके फ़ोटो को ड्रॉ करोगे उतनी आपकी आउटलाइन परफेक्ट होगी। एंड सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आप करते रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं जो है कैसे फेसेस को प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हो कि आपको घर पर कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो नॉर्मली आपको एक फ़ोटो को लेनी है जैसे मैंने लिया है एंड इसके जो फेस की पोजीशन है उसको आपको गेस करना है। जैसे कि मैंने गेस करा है कि इसकी जो फेस है वो ऊपर के साइड है, तो वो चीज़ हम लोग जो है वो दिखाने की ट्राई करेंगे। एंड जो लूमिस मेथड की हेल्प से हम लोग फेस को एस्टिमेट करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शंस को ध्यान देते हुए आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करनी है। एंड गाइज, मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता हो, अगर आप फ्री होते हो, तो आप लूमिस मेथड की हेल्प से आउटलाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपकी जो आउटलाइन ड्रॉइंग की स्किल है ना वो और बेटर होती जाएगी एंड आप परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे आगे चल के। एंड अगर आप आउटलाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, आपके पास 5 मिनट या 10 मिनट नहीं है, तो आप नॉर्मली 2 से 3 मिनट जो है आप लूमिस मेथड की हेल्प से फेसेस को जो प्रोपोर्शंस होती है फेसेस की वो एस्टिमेट करने की ट्राई कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आउटलाइन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्रोपोर्शंस को एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। इसमें हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो अगर आपके पास 5 या 10 मिनट नहीं है एंड आप आउटलाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो आप एटलीस्ट 2 या 3 मिनट निकाल सकते हो एंड जो फेसेस की प्रोपोर्शंस होती है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो वो चीज़ आप जो है ट्राई कर सकते हो। इसमें आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे एंड अगर रेगुलर आप एक ड्राइंग की प्रैक्टिस भी करते हो तो आप मंथली जो है वो 30 ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो, ये जो है आपके लिए इनफ होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, बिगनर आर्टिस्ट के लिए जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं।
तो आप आराम से जो है वो ये चीज़ घर पे ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप थोड़ा आर्ट की कैरियर को लेके थोड़ा सीरियस हो एंड प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि आपको डेली 15 से 20 जो है फेसेस ड्रॉ करनी चाहिए। इसमें आपको आधा से एक घंटा लगेगा एंड आपकी जो ड्राइंग आउटलाइन ड्राइंग की जो स्किल है ना वो परफेक्ट हो जाएगी। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो काफ़ी सिंपल है गाइस लूमिस मेथड से फेसेस को एस्टिमेट करके ड्रॉ करना। अगर आप ध्यान देते हो तो आपसे हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फेस के पोजीशंस जो हैं वो हमें स्मॉल सर्कल दिखाता है। जैसे मैंने अभी आपको दो लाइन दिखाया रेफरेंस फ़ोटो में, तो वो दो लाइन हम लोग छोटी सर्कल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। एंड जो बीच वाली लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है उससे आई लाइन मिल जाती है, या नीचे वाला जो पोर्शन है सर्कल का तो उससे हमें नोज़ लाइन मिल जाती है। तो काफ़ी सिंपल होता है। एंड इसके जस्ट नीचे जो है हमारी लिप्स होती है एंड उसके नीचे जो है वो चिन होती है। तो ये जो है बस आपको एस्टिमेट प्रोसेस से ड्रॉ करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। किसी ने ज़्यादा प्रैक्टिस करा है तो उसकी जो आउटलाइन है वो परफेक्ट बनती है, किसी ने कम प्रैक्टिस करा है तो उसकी जो आउटलाइन है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे गाइस उतना आपकी जो स्किल है वो धीरे धीरे बेटर होती जाएंगी। और गाइज़ अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि इससे और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में लाऊं मैं एंड लूमिस मेथड को और भी अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। तो ये चीज़ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी एंड ऑल्सो लूमिस मेथड को लेकर जो भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। सो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। एंड गाइज़ ये जो रेफरेंस फ़ोटो है हमारी, तो इसकी मैंने पूरी स्केच जो है वो कंप्लीट करा है। तो अगर आप उसकी ट्यूटोरियल चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा कि अलग से एक रियल टाइम वीडियो इसकी अपलोड करूँ जिसमें मैं आप सब कुछ जो है वो डिटेल में बताऊँ आपको। तो फिलहाल वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं अभी ये टाइम लैप्स में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो बस मैं लूमिस मेथड को ट्राई करता हूँ समझाने की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सर्कल है एंड नीचे वाली जो छोटी सर्कल है उसमें दो लाइन दिख रहे होंगे आपको जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो गाइज वहाँ से जो लाइन बढ़ती है, जो डायमीटर वाली लाइन इंक्रीज होती है, तो वो हमें आई लाइन देता है। एंड नीचे का जो सर्कल है, छोटी सर्कल की जो नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ से हमें नोज़ लाइन मिल जाता है जैसा कि आप हमारे ड्रॉइंग को देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एंड आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाहते हो रियल टाइम वीडियो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताना, तभी मैं अपलोड कर पाऊँगा। तो फिलहाल अभी आप ये वाली वीडियो पूरी जो है वो टाइम लैप्स में देख लो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अभी और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वरना आप मेरी वीडियोज़ देखोगे ही नहीं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है एंड हमें और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का मन करता है। तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रुको रुको स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना एंड लाइक जरूर करके जाना यार। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।